हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब से थंबनेल सेट करना और अकाउंट वेरीफाई करना सिखाऊंगा, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यूट्यूब स्टूडियो को डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो के द्वारा ही हम थंबनेल सेट करके दिखाएंगे आपको। अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो तो यूट्यूब स्टूडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी आपको आपके चैनल के बारे में देखना है तो आप यूट्यूब स्टूडियो के द्वारा देख सकते हैं। तो हम यूट्यूब स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम है, तो हम अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करके दिखा देते हैं। इसके लिए क्रोम ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम वापस से अपने मोबाइल में बैक हो जाते हैं और क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन हो जाने पर इसमें www.youtube.com को सर्च करेंगे। चलिए मैं अपने मोबाइल में सर्च कर लेता हूँ। तो इस प्रकार पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ लॉगिन कर लेंगे। मेरा पहले से ही लॉगिन दिखा रहा है, क्योंकि मैं लॉगिन करके रखा हूँ। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके YouTube को डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेंगे। उसके बाद YouTube के सेटिंग में जाना है, तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने में थोड़ा लेट हो रहा है, तो इस प्रकार नोटिफिकेशन आएगा, उसको ब्लॉक कर देना है, क्योंकि मैं क्रोम में खोला हूँ तो बार बार नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद सेटिंग में जाना है, तो सेटिंग को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद पेज ओपन होगा, तो यहाँ देख सकते हैं मेरा अकाउंट वेरीफाई अभी नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए हम वेरीफाई करेंगे। कई बार यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन नहीं दिखाता, जो कि मेरे में भी नहीं दिखा रहा है। तो हम सर्च करके यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके फीचर्स सर्च करेंगे। देखिए यहाँ फीचर्स सर्च करता हूँ मैं, तो इस प्रकार पेज ओपन होगा। देखिए थोड़ा वेट कीजिए, देखिए इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट फीचर्स इनेबल दिखा रहा है, तो हमको फ़ोन वेरिफिकेशन वाला इनेबल करना है। तो इसके लिए फ़ोन वेरिफिकेशन वाला जो दिया है उसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर फ़ोन वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो वेरिफिकेशन पढ़ने से पहले मैं आपको यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करके दिखाऊँगा। इस प्रकार ओपन कर लेंगे स्लाइड करके। देखिए स्लाइड करके ओपन कर लीजिए, तो मेरा यहाँ भी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, देख सकते हैं। वापस से हम वेरिफिकेशन वाले पेज में चलते हैं, तो यहाँ वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ऑन कॉल और टेक्स्ट मैसेज का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम टेक्स्ट मैसेज वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अपना नंबर टाइप करने पर गेट कोड करना है। गेट कोड करने पर आपको आपके मोबाइल में कोड आएगा, तो इस प्रकार गेट कोड करने पर आपको आपके मोबाइल में OTP आएगा, उसको यहाँ पर डालना है। अभी देखिए मेरे मोबाइल में आएगा, ये आ गया, तो मैं यहाँ पर अपना OTP डाल रहा हूँ। तो आपके मोबाइल में जो भी अपना OTP आएगा उसको डाल देना है सिंपली। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने पर यहाँ देख सकते हैं आप मेरा चैनल वेरीफाई दिखा रहा है। वेरीफाई हो जाने पर इस पेज को हम कट कर देते हैं, उसके बाद वापस अपने अकाउंट में जाते हैं। तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें क्लोज करने का ऑप्शन होगा, तो यहाँ से क्लोज कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा चैनल वेरीफाई हो चुका है। तो हम फिर से चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो में, वहाँ आपको थंबनेल सेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ क्लिक कर लेना है, यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ साइड में और दिखाएगा वो एडिट, उसमें क्लिक कर लेना है। फिर कस्टम थंबनेल में क्लिक करेंगे, फिर अपने फाइल से जो भी आपको थंबनेल डालना है उसको उठाकर डाल दीजिए और इस प्रकार आप सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरा लगभग थंबनेल सेट हो चुका है, तो ऊपर सेलेक्ट कर क्लिक करके अपना थंबनेल सेव कर लीजिए। तो मैं अपना थंबनेल सेव कर लेता हूँ,
प्रकार अपने चैनल को वेरीफाई करें और डिज़ाइनिंग थंबनेल सेट करें। तो यहीं पर हमारा वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।